सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल सक्सेस विद सीटेट को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकीकरण का सिद्धांत। जब एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो सबसे पहले वो बलबलाना यानी बैबलिंग सीखता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा जो है एक एक वर्ड जैसे प म ब ऐसे बोलेगा, और उसके बाद वो पापा मामा बाबा ऐसे करके बोलेगा, और फिर बाद में वो वही वर्ड्स को कंबाइन करके जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलने लगता है, और फिर वो बहुत सारे सेंटेंसेस को कंबाइन करके वो एक पैराग्राफ बोलना सीखता है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है वो अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके आगे बढ़ते रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बच्चे को एक एप्पल दिखाया और हमने उस बच्चे को एप्पल दिखाते हुए कहा कि ये है एप्पल एंड द कलर ऑफ द एप्पल इज़ रेड, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि जो सेब होता है उसका कलर लाल होता है। और अगर मान लीजिए फिर वो बच्चा बाज़ार गया कभी और उसने एक लाल कलर की शर्ट देखी, तो फिर वो बताएगा कि ये जो शर्ट है वो उसका कलर भी रेड है और जो एप्पल होता है उसका कलर भी लाल होता है। तो इसमें यानी ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसमें हम यही देखते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है वो अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है आगे बढ़ने के लिए, और फिर यही जो है एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास में उसकी मदद करती है। तो होप करती हूँ कि आज का जो ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो जो है वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।